एक खुशखबरी और मेरे पापा एक बहुत है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, वो आर्मी से रिटायर है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है राखी नेगी और मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल रखनीखाल ब्लॉक से। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राखी नेगी ब्लॉग्स में। तो गाइज, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। कितना बजा है, टाइम देख लेती हूँ पहले, 2:37 पर। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने मुंह पे ये क्या लगा रखा है, क्या पोथ रखा है मैंने। तो गाइज, ये मैंने पोथा हुआ है नीम का फेस वॉश, नहीं क्या बोलते इसको, फेस पैक। oh, no. तो मुझे नाम भूल गई थी मैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद लगाया मैंने ये। और ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे ननद ने दिया मुझे, तो मैं भूल गई थी कि उसने बोला लगा लेना, मैं तो लगा नहीं, वो तो चली गई। तो उसने मुझे ये दिया, तो मैं आज जाके मुझे फुर्सत मिली, थोड़ा फुर्सत मिला, मतलब मेरी हिंदी थोड़ी बहुत कमज़ोर है, तो आज जाके मुझे फुर्सत मिला तो मैंने लगा दिया मुंह पे फेस पैक। तो ये मैंने गोरा होने के लिए नहीं लगाया है, बिल्कुल नहीं। तो ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे मुंह पे बहुत दाने दाने हैं और उनके दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं मेरे मुँह पर। तो पहले मैं मतलब ऐसे लगा दिया मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक ये सूखता है मैं आराम कर लूँ, तब तक एक ब्लॉग बना दूँ। तो ब्लॉग, हाँ ब्लॉग बना ही देती हूँ ना, तो ब्लॉग नहीं है, बस एक वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे। क्योंकि ब्लॉग तो मतलब ऐसा होता है ना, छोटी छोटी क्लिप्स जोड़नी पड़ती है, तो आज वो नहीं है, आज ऐसे बैठ के वीडियो बनाएंगे, बातें करेंगे। तो चलिए फिर, आज मैं कुछ टॉपिक लेती हूँ और उस चीज़ पर हम बात करेंगे। तो टॉपिक क्या होगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले मैं सोचती हूँ ना कि क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, तो कुछ भी टॉपिक हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो ये बिल्कुल सूखने ही वाला है, तो मैं अभी जाके इसको धो देती हूँ पहले, फिर आऊँगी मैं आपके सामने, ठीक है? तो कहीं जाना मत और वीडियो में बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट भी करना, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ना दोस्तों, क्या बताऊँ मैं, चलो पहले बता ही देती हूँ, क्योंकि ना मुझे आप जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं मतलब मुझे अभी अच्छे से बोलना नहीं आता व्लॉग में, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ना क्या सब कुछ सुनना पड़ता है। तो धीरे धीरे मतलब अब मैं इस लाइन में आ गई हूँ, तो मैं ये लाइन छोड़ने वाली नहीं हूँ, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी मैं, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी आगे जाऊंगी। तो पढ़ाई लिखाई में तो गई नहीं, तो यूट्यूब में ही सही। तो अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा तो एक दिन मैं भी बहुत आगे तक जाऊंगी, और ये मैं वादा करती हूँ खुद से। तो चलिए फिर, पहले मैं मुंह धो के ले आती हूँ, ठीक है? तो कहीं जाना मत, वीडियो में बने रहना। तो गाइज, मुँह धो के मैं आ गई हूँ, एंड थोड़ा बहुत सो श्रृंगार भी मैंने कर लिया है, मतलब जो होता है एक सुहागन का, बिंदी, सिंदूर एंड लिपस्टिक वगैरह जो भी है। तो जितना मेरे पास था वो मैंने पथोड़ लिया है, तो मुंह पे तो मैं कुछ नहीं लगाती ज़्यादा कुछ, तो ये लगाती हूँ मैं सनस्क्रीम ये वाला। एंड आप लोग अपना मेकअप डिब्बा बताऊँ, हंसना मत, तो ये है मेरा मेकअप का डिब्बा। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या रखा है मैंने इसमें। तो एक है इसमें ये सनस्क्रीन और ये बिंदी का पैकेट, तो ये मेरे रियांस ने फाड़ दिया, तो ये इसमें गिर गए सारे। और एक है इसमें लिपस्टिक ये वाला, ये नेल पेंट, ये सिंदूर, ये लाइनर, ये तो मैं लगाती हूँ अब, मतलब शौक नहीं है लगाने का, पहले लगाती हूँ। ये दूसरा वाला सिंदूर, ये पिन, ये बिंदी दूसरी वाली जो लगाती हूँ मैं, ये लिपस्टिक ये मेरी ननद ने दिया मुझे, हाँ मेरा नहीं है, मैंने लाती वाला। और एक फाउंडेशन है छोटा सा बेबी, और ये क्या बोलते हैं सेल्फी स्टैंड का ब्लूटूथ बटन, ये पिन, और ये बिंदी है बस, देखो बाकी कुछ नहीं है, तो बस यही लगाती हूँ मैं। तो चलो फिर दोस्तों,
टॉपिक मैंने सोच लिया है कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। तो गाइज क्या बोलते आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मतलब मेरी फैमिली में मायके में कौन कौन है एंड क्या क्या करते हैं एंड ससुराल के बारे में तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ तो पर फिर भी एक बार फिर बता देती हूँ तो जो मेरे चैनल पर नए होंगे तो उनको नहीं पता होगा। तो गाइज करते हैं मायके से शुरू एंड मायके में मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्ति है एंड वो पहले वो मतलब जब मैं छोटी थी जब तक हमने पढ़ाई की तब तक मेरे पापा रहते थे लुधियाना एंड वहाँ पे जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में। और उसके बाद मेरे पापा आ गए थे हरिद्वार। उसके बाद मेरे पापा ने पहले दुकान की घर में ही तो दुकान तो चली नहीं क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे इंसान है व्यक्ति है तो जो सीधे साधे लोग होते हैं उनके साथ लोग धोखा कर देते हैं उधार मांग मांग के खा देते हैं एंड उसके बाद पैसे नहीं देते। तो ऐसे मेरे पापा के साथ हुआ तो उसके बाद उन्होंने दुकान छोड़ दिया फिर वो चले गए हरिद्वार जॉब करने। फिर मेरे पापा ने हरिद्वार जॉब किया 4-5-6 साल पता नहीं 7-8 साल तो किया ही होगा। फिर 7-8 साल मेरे पापा ने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद लॉकडाउन में मेरे पापा आ गए थे घर। अब मेरे पापा घर में ही डैडी मजदूरी करते हैं। तो अब करते हैं मम्मी की बात तो मुझे बहुत हंसी आ रही है लोगों ने कैसे उधार खाया मेरे पापा से। तो चलो अब करते हैं मम्मी की बात। तो गाइज मेरी मम्मी एक भोजन माता है वो स्कूल में खाना बनाती है। तो हमारा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे वो खाना बनाती है वही है पास में मतलब 5 मिनट का रास्ता है। तो मेरी मम्मी वहाँ पे खाना बनाती है और जब मैं छोटी थी जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो तब से ही ये मिड डे मील वाला क्या बोलते हैं शुरू हो गया था उस टाइम पर। तो उसी टाइम पर मेरी मम्मी भी लग गई थी स्कूल में मतलब खाना में। तो पहले मेरी मम्मी 1 से 5 तक वालों के लिए खाना बनाती थी उसके बाद मेरी मम्मी ने छोड़ दिया था फिर वो क्या बोलते हैं 6 से 8 तक के लिए भी आ गया था ये वाला। तो तब मेरी मम्मी वहीं खाना बनाती है अभी तक भी खाना ही बनाती है। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई और की। तो मेरे 2 भाई हैं एक मेरे से छोटा है एक मेरे से बड़ा है। तो जो मेरा बड़ा भाई है वो घर में ही गाड़ी चलाता है ड्राइवर है मतलब। तो अभी अनमैरिड है शादी नहीं हुई है क्योंकि शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है तो लोग बोल रहे हैं ड्राइवर के लिए नहीं देना है। तो चलो फिर अब करते हैं छोटे भाई की बात। तो छोटा भाई मेरा दिल्ली में जॉब करता है प्राइवेट कंपनी में। तो ये तो रही मेरी फैमिली की बात और अब चलते हैं ससुराल की तरफ। और ससुराल में सबसे पहले बात करते हैं मेरी सास जी की। तो मेरी सास जी भी हाँ अपने बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। तो गाइज उसके बाद मेरे भाई के बाद बारी आती है मेरी। तो मेरी हो गई है शादी एंड मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ पढ़ी लिखी हाउसवाइफ BA MA वाली क्या फ़ायदा। तो चलते हैं अब ससुराल की तरफ फिर से क्योंकि अभी हम गए थे लेकिन हम बैक हो गए थे अब फिर से चलते हैं ससुराल की तरफ। हाँ तो मेरी जेठानी बोल रही है मुझे कहाँ बड़बड़ कर रही है तो उनको नहीं पता मैं व्लॉग बना रही हूँ वीडियो बना रही हूँ। हाँ कहाँ बोल रही हूँ मैं कहीं भी नहीं बोल रही हूँ। तो वो बोल रहे मुझे कहाँ बोल रही है मतलब किसके साथ बात कर रही है। तो चलते हैं फिर कितनी बार जाना है ससुराल की तरफ मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चलते हैं फिर ससुराल की तरफ। तो मेरी सास जी के बारे में बात करते हैं। मेरी सास जी भी एक हाउसवाइफ है और सिंपल हाउसवाइफ बहुत ही अच्छी। आप चलते हैं ससुर जी की तरफ। तो ससुर जी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया वो आर्मी से रिटायर है। फिर आते हैं मेरे हस्बैंड की तरफ इधर को। तो मेरे हस्बैंड एक ऑटो ड्राइवर है। आप आते हैं फिर मेरी तरफ। अब मैं ससुराल में आ गई हूँ तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ ओके। मेरे 2 बच्चे 2 बेटे हैं मेरे। अब आते हैं अब चलते हैं मेरी ननद की तरफ। तो मेरी 3 नंदे 2 मैरिड है 2 की शादी हो गई है एंड छोटी वाली अभी जॉब करने के लिए चली गई है मैंने आप पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो ये है मेरी फैमिली मायके की एंड ससुराल की। तो मैंने दोनों तरफ आप लोगों को बता दिया है इधर भी गई और इधर भी। तो अब आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइज चलो फिर वीडियो करते हैं यहीं पर एंड क्योंकि अभी मुझे ये डालना भी है क्योंकि मैंने 2-3 दिन से
ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा रिशु चला गया था घर, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया तो रिशु मेरा घर चला गया था। उसके बाद मुझे एक दो दिन अजीब से लगा, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का। तो इंस्टाग्राम पर भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं वीडियो नहीं डालती, मतलब ऐसे डालती, मेरा मन ही नहीं था। तो इंस पर भी नहीं डालता मैंने, ना ही इंस्टा पर डाला ना यूट्यूब पर डाला। और एक खुशखबरी और आने वाली है यूट्यूब की तरफ से मेरे लिए, तो बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों को बताऊँगी उस खुशखबरी के बारे में। तो और क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर भी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और बाकी कुछ नहीं। तो चलिए फिर करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड, और आप लोगों को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग मुझे डालना है, अभी 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाला है। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।